इसको चेक करते हैं इसके सर्किट के अंदर कि क्या माजरा है। चलो भाई अभी मैं चेक करता हूँ उसको। तार वगैरह तो सारा फिक्स कर दिया है। अब जो है आपके भाई के पूरे जो है पसीने जो है निकल के आ गए हैं। पूरी जो है आपको पता है सारी जो है मेरी गीली हो चुकी है, आप समझ रहे हो, इतने पसीने में पूरे कपड़े वपड़े गीले हो गए, सब कुछ गीला हो गया। तो बस यार अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ बिस्मिल्लाह करके। तो भाई पता नहीं क्या होने वाला है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सुहेल रजवी ब्लॉग। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नहीं तो भाई आपको जैसे कि पता है कल मैंने फ्रिज वगैरह बनवाने गया था लड़का, तो वो अभी तक नहीं आया। इंशाल्लाह मैं उसको छुट्टी वाले दिन जो है फ्रिज बनवाना पड़ेगा। वैसे कि वैसे हम लोग बना रहे थे वैसे ही वैसे पड़ा हुआ है, इसको भी बनवाना है। और अभी जो है यार एक के बाद मैंने बोला ना, एक के बाद एक चीज खराब होती जा रही है, जो है ना लाइट बिल्कुल सही नहीं आ रही। तो ये भी मेरा पंखा बंद हो चुका है यार, ये चेक करो यार। अब मैं जो है इसको मैं खुद ही बना लूंगा, मैंने टूल वगैरह यहाँ पे रख दिए हैं, ये चेक करें प्लास, और ये मैंने प्लास भी रख दिया है यहाँ पे, और ये पेस्केस भी रख दिया है, और थोड़ा सा ये टेप भी रख दिया है वायर वगैरह को लगाने के लिए। तो भाई आज मैं खुद इसको बना रहा हूँ, देखता हूँ कि मैं इसको बना पाता हूँ या नहीं बना पाता। चुप कर बे कुत्ते, क्योंकि यार अगर ये नहीं चला तो आपका भाई सोएगा कैसे यार, आप खुद बता लो यार। अगर ये इतनी गर्मी में मैं भी नहा के आया हूँ ना, फिर भी मुझे गर्मी लग रही है, तो आपका भाई कैसे सोएगा यार, आप खुद समझ लो। तो कुछ भी करके इसको बनाना पड़ेगा भाई, इसको चलाना पड़ेगा अभी के अभी। तो आपका भाई फुल जो है अपनी एफर्ट लगाएगा और इस पंखे को बनाएगा। थोड़ा बहुत टेक्निकली काम जानता है आपका भाई यार, तो इंशाल्लाह ये भी काम कर लेगा। तो यार मैं आपको चेक करवाता हूँ, देखना कैसे चल रहा है। ये चेक करो, ये मैंने बटन दबाया यहाँ से, अभी सिर्फ खाली आवाज़ करेगा यहाँ से, चेक करना। चल जा भाई चल जा। ये देख बस इस तरह आवाज करे, पहले 3 से 4 मरतबा ऐसे ट्वीट ट्वीट कर रहा करता था और स्टार्ट हो जाता था, शुरू मतलब पंखा चलना शुरू हो जाता। ये मैं यहाँ पे ऐसे ही जो है ना इंटरनेट चला रहा था, सोशल मीडिया चला रहा था, अचानक से जो है यहाँ पे ये बंद हो गया। तो भाई इसको आपका भाई अभी जो है बनाना करता है स्टार्ट, पहले यार इसको बंद करते हैं, टी टी करके सर खा रहा है। बात तो सही है। तो भाई आप देखते हैं कि आज ये मैं कैसे बनाऊंगा, अपना माइंड करके बनाऊंगा, लेकिन गर्मी मेरे को अभी बिल्कुल खाई जा रही है, क्योंकि मुझे इसको बनाना है और इसको चलाना है आपके सामने। मैं कोशिश करूंगा कि ये बन जाए, वैसे तो यार मिस्त्रियों का काम है, देखते हैं ख़राब हो गया तो उसका नसीब है, सही हो गया तो मेरा नसीब है। तो भाई ब्लॉग को यहाँ से कर देता हूँ स्टार्ट। अगर अभी तक आपने ब्लॉग को एंजॉय नहीं किया तो कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब। सो मैं ब्लॉग यहाँ से करने लगा हूँ स्टार्ट। सो वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। अरे गाइस एक तो ये गर्मी खाती जा रही है यार, जल्दी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे ना भी नहा के आए, फिर भी मुझे ये कपड़े वपड़े बाजू ऊपर करने पड़े, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो है आप गर्मियों का बहुत तेज़ जो है मौसम चल रहा है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो अभी से ही जो है ना मुझे पसीने आने शुरू हो गए, नहा के आए वाला अभी मैं। तो भाई आपका भाई करने लगा है काम स्टार्ट, ये मैंने टूल वगैरह ये टेस्टर वगैरह मुझे चेक करने के लिए काम आएगा, और ये मुझे वायर वगैरह काटने वगैरह में काम आएगा। तो भाई चलते हैं और चढ़ते हैं और ऊपर शुरू करते हैं अपना काम। फाइनली आपके भाई ने पंखा उतार दिया यार, ये मट्टी चेक करो यार सबसे पहले ना। अब यार मैं इसको ना नीचे रख देता हूँ यार, अरे इसको नीचे रख देता हूँ, काफ़ी मट्टी मेरे बेड पे ना लग जाए यार, कचरा हो जाएगा फुल पूरा। इसको यहाँ पे रखते हैं और इसका थोड़ी सफाई वगैरह करते हैं पहले। और जो है यार मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, लाइट जो है गाइज मैंने वहाँ से पंखा वगैरह बंद किया हुआ है, लेकिन ये फिर भी जो है ये चेक कर, ये बता रहा है कि जो है अभी भी इसके अंदर पावर है वायर के अंदर, ये चेक कर रहे हो। गजब बेइज्जती है, ये चेक करो अभी भी इसके अंदर पावर है गाइस, हालांकि पंखा मैंने वहां से बंद भी किया हुआ है। चेक करो यार चेक करो, हमारे जो है जो बिजली बनाने वाले जो है एक मतलब एक बंदा था, मैं इसको नाम नहीं ले रहा, छोड़ो यार, मतलब उसने बिजली की पूरी रेड मार दी है, बटन बंद करते हुए भी वो बिजली जो है चल रही है। तो भाई अभी जो है
फर्स्ट ऑफ ऑल कपड़ा लेके आना है, इसको मुझे सफाई करनी है और फिर इसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि आखिर मसला क्या है। हालांकि यार मैं कोई मिस्त्री विस्त्री नहीं हूँ, लेकिन जितना हो सकेगा आपका भाई कर पाएगा। पता नहीं यार ये बनेगा भी नहीं बनेगा, मुझे तो कोई पता ही नहीं, किसी टके का पता नहीं। चलो अपना ट्राई मारते हैं, जो भी हुआ देखा जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ू। जो है कपड़ा लेकर आया हूँ, बस यार इसकी जो है ना हल्की फुल्की जो है इसकी मिट्टी साफ करनी है। चेक कर रहे हो यार कितनी ज्यादा मिट्टी हो गई यार इसके ऊपर। ये भाई इसको मैं मिट्टी साफ करूं जब तक। ओए होए कितना गंदा है यार, इतने सालों से लगा हुआ था, मैं इसको कभी मैंने उतारा भी नहीं ना, अचानक किसी ने खुद जो है ख़राब हुआ। इसने बोला कि यार मुझे साफ़ कर लो, आपने इतने अरसे से साफ नहीं किया, तो इसने खुद ही बंद हो गया ना, अपने बहाने से सफाई भी करवा ली भाई इस पंखे ने तो भाई। बस जो है ना अभी असली मुद्दे पे आते हैं, इसको चेक करते हैं इसके सर्किट के अंदर कि क्या माजरा है। चलो भाई अभी मैं चेक करता हूँ उसको। यार अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मसला है। सब चीज़ें तो ठीक लग रही हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी है यार इसके अंदर। यार मुझे तो ना इसके अंदर सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, क्या मसला होगा यार, फिर क्यों नहीं चल रहा, समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा मुझको। हाँ अब समझ में आ गया। चल झूठा। अच्छा 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 ये गाइस निकला हुआ है, ये चेक कर रहे हो, ये पलक निकला हुआ है और मुझे पता ही नहीं ये कहाँ, जहाँ से निकला होगा इसको वहीं लगाना पड़ेगा। एक सेकंड, कहाँ से निकला है ये निकला होगा मेरे ख्याल से, ये तीन आप पिने देख रहे हो, ये चेक करो, ये तीन पिने लगी हुई हैं और इसके अंदर भी तीन पिनों की ही जगह है। ये वाले तीन पिन और ये वाले तीन पिन जो हैं इसमें मुझे मिलाना पड़ेगा। अभी जो है चेक करता हूँ यार मैं इसको मिला के, एक सेकंड, अब पता चला कि इसका जेक का मसला है भैया। फिक्स तो कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। पेस्किस कहाँ गया, पेस्किस का काम है, क्योंकि जो है ना ये पलक जो है खींचता होगा और ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो ये ऊपर नीचे की वजह से ये तार ऊपर से निकल गई होगी और जो ये निकलता होगा, तो मैं इसका जो है ना स्क्रू नीचे से थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ। ये चेक कर रहे हो, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये ऊपर नीचे आने की वजह से ये जेक निकल रहा है, मतलब मैं इसको इसमें फिक्स कर रहा हूँ ना, फिर ये इसका स्क्रू ढीला हो गया, उस ढीले की वजह से ना ये ऊपर नीचे आ रहे, ऊपर बात तो सही है नीचे। तो इसका मुझे एक आइडिया आया है, क्या करूँ। हाँ एक आइडिया है मुझे, एक चीज़ से सही हो सकता है और वो चीज़ है जनाब ये टेप। थोड़ी बहुत मैं इसको टेप लपेट देता हूँ ताकि ये नीचे से ना गिरे। यहाँ से कर देता हूँ मैं, हाँ अब नहीं गिर रहा, मतलब अब सही हो गया, ये हुई ना दिमाग की बात, आहा अब सही हो गया गाइस। यार ये पसीना चेक करो, मैं ये चेक कर रहे हो, ये बिल्कुल अभी ये बूंदों की तरह गिर रहा है। अच्छा इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है, थोड़े मुझे बस 10 मिनट हुए हैं मैं इसको बना रहा हूँ, इतना ज़्यादा पसीना आ गया। तो खैर यार ये दोबारा से मैं इसको पलक को लगा देता हूँ यहाँ पे, ये आया और ये लगा। हाँ यार अब थोड़ा नहीं हिल रहा क्योंकि टेप की थोड़ी जो है ना सपोर्ट मिल गई है इसको, अब सही है गाइस। अब पलक वगैरह भी मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो चलो चलते हैं, और अभी जो है ऊपर वाले वायरिंग मैंने आपको दिखाया ना, बटन बंद किया हुआ है फिर भी उसके अंदर पावर आ रहा है, तो उसको जो है सही तरीके से मुझे लगाना है पंखे को, और उसके बाद देखते हैं कि आपका भाई कामयाब होता है या नहीं होता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे हाँ यार इसकी जो एक्स्ट्रा तारे हैं ना, ये जो हैं सोलर पे चलती हैं, इनको ना मैं अलग तरीके से लपेट देता हूँ वरना ये मसला ना करे, तो मैं इसको गिठांग वगैरह दे देता हूँ यहीं पे, ताकि ये अगर किसी के साथ टच वगैरह हो गई ना
तो स्पार्क वगैरह का खतरा हो सकता है भैया जी, तो मैं इसको जो है गिठांग दे देता हूँ जी जनाब। तो अब जो है मैंने इसको गिठांग दे दी, अब ये कहीं नहीं जाएंगी, तो बस अभी जो है मैं लगा देता हूँ ऊपर पंखा। और अबे क्या हालत हो गई, पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं भैया, पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं, हाय 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 हाय, क्या सीन है यार, मतलब पंखे के बगैर बंदा रह ही नहीं सकता यार। तो गाइज मैंने जो है तार वगैरह जो है सारा फिक्स कर दिया है, अब जो है आपके भाई के पूरे जो है पसीने जो है निकल के आ गए हैं, पूरी जो है आपको पता है सारी जो है मेरी गीली हो चुकी है, आप समझ रहे हो इतने पसीने में पूरे कपड़े वपड़े गीले हो गए, सब कुछ गीला हो गया। तो बस यार अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ बिस्मिल्लाह करके, तो भाई पता नहीं क्या होने वाला है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे चल जाए। ओए चलने लग गया, ओ माय गॉड, अबे मैंने बना, ओए यार फिर रुक गया, चल जाए यार, अल्लाह करे चल जाए। अब ये घुमा था गाइस, चल जाए, अबे फिर बंद हो गया यार, चल रहा है थोड़ा थोड़ा यार, पहले तो हिल ही नहीं रहा था, खाली आवाजें मार रहा था, अब तो ये चल भी रहा है। ओए होए चल गया। ओए होए, अगर ये फुल चल गया तो आपका भाई कारीगर है भाई, फुल चल जा। खैर आपका भाई फुल कारीगर निकला, अन्नाड़ी समझ रहा था भाई आपका भाई फुल कारीगर है, कहाँ से अन्नाड़ी है यार, बना दिया पंखा मैंने, और रे भाई साहब आपके भाई ने सोहेल भाई ने पंखा बना दिया है भाई, और पंखा चल भी रहा है आपके सामने जो है लाइव रिजल्ट आ रहा है भाई, ये चेक करें भाई कैसा लगा भाई, सही लगा ना, अम्मी जान पंखा बना दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओह माय गॉड, वाओ, बेटे ने पंखा बनाया खुद भाई, वरना मैं मिस्त्री के पास लेके जाता, फलां खर्चा आ जाता, वो बोलता इसकी फलां चीज चेंज होगी। तो यार इसके चक्कर में आपके भाई ने जो है अपने पैसे भी बचा लिए, और थोड़ा बहुत जो है अपना माइंड चला के, मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, उसका पलक निकला हुआ था, और थोड़ी बहुत मैंने इसकी सफाई वगैरह की अंदर से ऊपर से नीचे से, सही हो गया, और ये आपके सामने रिजल्ट आ रहे हो, लेवल हो गया भाई, लेवल। चलो भाई आपके भाई का पंखा बन गया, ओए लैला हो लैला मिजाजी है लैला, अमी जान ये टूल ले लो भाई, आपके टूल सामान मैंने सारा कुछ रख दिया, क्योंकि मेरा काम जो है हो चुका है फाइनली। यार गाइस आई कांट बिलीव दिस, मुझे भी यकीन नहीं था कि ये चीज़ मैं पंखा बना लूंगा और सुकून से अपने कमरे में सो पाऊंगा, और ये मैं पंखा वैसे नहीं बना पाता तो ये व्लॉग नहीं डालता, सीधी बात है यार, क्योंकि मैं अपनी जो है बेइज्जती नहीं करवाता, मैंने बस ना ऐसे व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया और पंखे को भी ना मतलब रिस्क लेके जो है हाथ डाल दिया, और मतलब मैंने ऐसी चीज़ें कभी की नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने की है, तो बस यार अल्लाह के फजलो करम से जो है आप देख सकते हो पंखा जो है मेरा फुल चल रहा है, आप खुद ही चेक कर रहे हो, आपके सामने मैंने खोला सफाई वगैरह की, तो यार देखो यार बस यार ये सब अल्लाह की रजा के वजह से सही हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस जो मुझे समझ में आ रही थी वायर वो मैंने वहीं लगा दी और पंखे को स्टार्ट कर दिया, और बस यार ये अल्लाह का मेरे ऊपर फजलो करम हो गया। मैंने आपको क्या कहा था कि जो है सब्र करने वालों को जो है अल्लाह पाक जो है खुशियाँ देता है, तो भाई इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करने लगा एंड, अगर अभी तक आपने सोहेल रज व्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया तो कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।